आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने सदस्य प्लीज। नहीं नहीं, ये तरीका उचित नहीं है आपका, कोई तरीका उचित नहीं है। नो, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, मैं आपको बता देता हूं। नो तरीका गलत है। बैठिए बैठिए, क्या सदन है, संसद है, बैठकर टिप्पणी करते हैं। सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रखा करो, मर्यादा रखा करो चीजों की। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में पहली बार, मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है, इन परिवारों में पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक परिवार, कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी, आपके लिए चुनाव के समय ही जिसकी याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा देश गौरव कर रहा है, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं, पूरा देश गौरवगान कर रहा है। आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए, आजादी के जंग का नेतृत्व किया, उनका पुण्य स्मरण आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमें गर्व है कि ऐसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है, हमने उनका हक दिया है। आदरणीय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार देख रहे हैं, एक बात ये भी सही है, हम सबका समान अनुभव है, सिर्फ मेरा ही ऐसा है, ऐसा नहीं, आपका भी है। हम सब जानते हैं कि जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, जब मां सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है,
और तभी जाकर के देश सशक्त होता है। और मुझे संतोष है कि माताएं बहनों बेटियों को सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। हर छोटी मुसीबत को दूर करने का प्रामाणिक पूर्वक प्रयास किया है, बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले पर से टॉयलेट की बातें करता है, बड़ी मजाक उड़ाई गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये टॉयलेट, ये इज्जत घर, इन मेरी माताओं बहनों की क्षमता, उनकी सुविधा, उनका सुरक्षा का सम्मान करने वाली बात। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं सैनिटरी पैड की बात करता हूं तो लोगों को लगता है अरे प्रधानमंत्री ऐसे विजय में क्यों जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सैनिटरी पैड्स के अभाव में गरीब बहन बेटियों के अपमान सहती थी, बीमारियों का शिकार हो जाती थी, माताओं बहनों को धुएं में दिन के कई घंटे बिताने पड़ते थे, उनका जीवन धुएं फंसा रहता था, उसे मुक्ति दिलाने का काम उन गरीब माताओं बहनों को करने का सौभाग्य हमें मिला है। जिंदगी खप जाती थी, आधा समय पानी के लिए, आधा समय केरोसिन की लाइन के अंदर खपे रहते थे, आज उसे मुक्ति देने का संतोष, उन माताओं बहनों को मुक्ति देने का संतोष। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले चलता था, अगर वैसा ही हम चलने देते शायद कोई हमें सवाल भी नहीं पूछता कि मोदी जी ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि देश को आपने ऐसी स्थिति में ला दिया था कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकता था, वैसी निराशा में देश को झोंक कर रखा हुआ था। हमने उज्ज्वला योजना से धुएं से मुक्ति दिलाई, जल जीवन से पानी दिया, बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया, 9 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, माइनिंग से लेकर के डिफेंस तक आज माताओं बहनों को बेटियों को अवसर खोल दिए हैं, ये खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हम याद करें, वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्यों को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है, और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए था, उसमें काफी देर हो गई। आप देखिए, मध्यम वर्ग लंबे समय तक, मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया, एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो, वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। सरकार के विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है माननीय अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले जीबी डेटा, क्योंकि आज युग बदल चुका है, ऑनलाइन दुनिया चल रही है, हर एक के हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, कुछ लोगों के जेब फटे हुए हो तो भी मोबाइल तो होता ही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले जीबी डेटा की कीमत 250 रुपया थी, आज सिर्फ 10 रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज 20 जीबी का उपयोग करता है, अगर उस हिसाब को मैं लगाऊं तो एवरेज एक व्यक्ति का 5,000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5,000 रुपया बचता है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, जन औषधि स्टोर आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार उसको, अगर परिवार में सीनियर सिटीजन है, डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 की दवाई हर महीना लेनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र में जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि में 10 रुपये, 20 रुपये में मिलती है, आज 20,000 करोड़ रुपया मध्यम वर्ग का जन औषधि के कारण बचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्ग के परिवार की एक सपना रहता है खुद का घर बने, और अर्बन इलाके में होम लोन के लिए बड़ी व्यवस्था करने का काम हमने किया, और रेरा का कानून बनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्व मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को सालों तक डुबो कर रख देते थे, उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विश्वास देने का काम हमने किया, और उसके कारण खुद का घर बनाने की उसकी सहूलियत बढ़ गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसके उच्च शिक्षा के लिए उसके मन में रहता है, मनसूबा रहता है, वो चाहता है आज जितनी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, सीटें बढ़ाई गई हैं, उसने मध्यम वर्ग के एस्पिरेशन को बहुत उत्तम तरीके से एड्रेस किया है, उसको विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्धारित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की तरफ गए बिना कोई चारा नहीं, और समय की मांग है कि अब समय नहीं गवा सकते, और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है। और ये भी माने स्वीकार होगा, भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखंड के पहले, गुलामी के कालखंड के पहले ये देश आर्किटेक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया में उसकी ताकत थी, पहचान थी, गुलामी के कालखंड में सारा नष्ट हो गया, देश आजाद होने के बाद वो दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा थी, लेकिन वो भी समय बीत गया जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस स्केल से होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस दशक में देखा जा रहा है। सड़क हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो, वॉटरवेज हो, हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प देख रहा है। हाईवे पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया भर में आज चौड़ी सड़कों की व्यवस्था होती थी, भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है। भारत में वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे, एक्सप्रेस दिखे, इस दिशा में हमारा काम है। पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने जो देकर के गए, उसी पर भी हम बैठे रहे, उसी को हमने अच्छा मान लिया, गाड़ी चलती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो समय था, जिस प्रकार से अंग्रेजों छोड़ करके गए थे, उसी भाव में जीते रहे, और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी, रेलवे आने धक्का मुक्की, रेलवे आने एक्सीडेंट, रेलवे आने लेट लतीफ, यही यानी एक स्थिति थी, लेट लतीफ में एक कहावत बनी गई थी, रेलवे आने लेट लतीफी। एक समय था हर महीने एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं बार बार आती थी, एक समय था एक्सीडेंट एक किस्मत बन गई थी, लेकिन अब ट्रेनों के अंदर वंदे भारत की मांग, हर एमपी चिट्ठी लिखता है मेरे यहां वंदे भारत चालू करो। आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 9 साल में 70 एयरपोर्ट, देश में वॉटरवेज भी बन रहा है। आज वॉटरवेज पर
ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान हूं। 4-5 दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है।